नहीं करते हैं। मैं दे तो रही हूँ, इतना अच्छा लगता है आपको। यम्मी यम्मी सी खीर खाए थे छोटे बेबी। एक तो इतना चलो 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 अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ आपके लिए एप्पल वुड्स रेसिपी, जो कि है बेबी फूड। तो हम इसे बना लेंगे। मैंने ले लिए हैं 3 टेबल स्पून ओट्स, ग्राइंडेड ओट्स लिए हैं, जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके रख लिए थे। फाइनली जस्ट हमें पाउडर फॉर्म तक ग्राइंड करना है। एंड मैंने ले लिया था एप्पल, उसके ले लूँगी, छोटे छोटे पीस कर लूँगी। जस्ट पीसेस कट करने के बाद ये अप्रॉक्स हाफ बाउल ऑफ एप्पल हो जाएंगे। तो इनको कर लेती हूँ एक बाउल में ट्रांसफ़र। ये देखिए एप्पल और ओट्स हमारे रेडी हैं। तो ये रेसिपी अबू सर को तो बहुत पसंद है भाई, क्योंकि मेरा बेबी है 7 मंथ ओल्ड। आई होप आपके बेबी को भी अच्छी लगेगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ले लिया मैंने एक खजूर का पल, जस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आ गई थी मैं किचन में, मैंने जस्ट पैन को गरम किया एंड उसमें ऐड कर देंगे एप्पल और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो हमें एप्पल को गलाने तक किस स्टेज पे हमें इसे कुक करना है, तो जस्ट पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसे ढक के जस्ट 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और एप्पल जो है अच्छे से गल जाएंगे तब तक। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बीच में खोलकर जो खजूर था हमारा उसे हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्टर करेंगे एंड बस वैसे ही कुक कर लेंगे। तो बस ये हो रहा है कुक और अब उजर कर रहे हैं इस टाइम वेट, क्योंकि मैं लगी थी बनाने में और वो अपने चाचू के साथ खेल रहा था। तो उसे इस टाइम बहुत भूख लगी है, तो झटपट से क्विक रेसिपी बन जाती है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस एप्पल जो हैं गल चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। खजूर भी हमारा अच्छे से गल चुका है, तो दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। इस टाइम पे हम ओट्स ऐड कर देंगे। तो बस हमने ओट्स ऐड कर दिए हैं। ओट्स ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसे स्टर करेंगे, मेक श्योर कि लम्स ना बने। अगर लम्स बन जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो बस यही है कि कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है और थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी ऐड करते जाएंगे। मैंने जितना पानी इसमें लिया है तो अप्रॉक्स हाफ बाउल ऑफ वाटर इसमें लग गया था। आप अपने हिसाब से देख लें कि कितना पानी जा रहा है, डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। तो बस इसे चलाते जाएंगे। देखिए अच्छे से बॉईल आ चुका है और थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड करा था, मुझे लगा था कि कम है, तो बस मैंने इसमें ऐड करा है। अच्छे से मिला देंगे और मैश करते हुए मिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। इसे ढककर 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। तो जब तक ये बन रहा है और सर की आवाज़ आ रही है, उसे बहुत ज़रूरी लग रही है भूख, ये अपने चाचू के साथ इस टाइम बिज़ी है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से यही रेसिपी बन जाएगी, तो बस मैंने आज यही बनाई है उसके लिए लंच में। देखेंगे कि ओट्स गले हैं या नहीं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो ये तो हो गए हैं कुक अच्छे से। अब मैं इसमें मिला दूँगी मैश करते हुए, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मैश करते जाएंगे और दूध ऐड करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा थिक है। इसको थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी तक लेकर आने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, मिल्क हाँ जो आपका बेबी ले रहा हो, चाहे पाउडर मिल्क अगर ले रहा है तो आप पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेबी को देती हूँ काओ मिल्क, तो जस्ट मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप जो भी दूध अपने बेबी को पिलाते हैं वही ऐड करिएगा। तो जैसे इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स,
एक आध सेकेंड के लिए और पका लेंगे। बहुत अच्छी यम्मी सी खुशबू आ रही है, तो बस इसको हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिक्विड ही चाहिए, कितना थिक चाहिए, तो देख लेना आपके कितना आपको चाहिए। तो बस ये हो गए थे रेडी एप्पल ओट्स। तो अब मैं कर लेती हूँ इसे एक बोल में ट्रांसफर। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, देखने में ये रेसिपी झटपट से बन जाती है। तो देखें कितनी अच्छी लग रही है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये यम्मी सी रेसिपी। तो बस मैं आ गई थी अबू ज़र के पास, वो देखें कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इसे खाने के लिए कि बस जल्दी से उसे मिल जाए। तो बस लिप वार्म हो गई थी हल्का सा, तो मैंने उसे खिला दिया था। देखें कितना ज़्यादा खुश लग रहा है, इसे बहुत पसंद है उसे ये एप्पल ओट्स। तो ओट्स के तो फ़ायदे हैं ही, साथ में एप्पल के भी न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिलते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हेल्दी रेसिपी को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।